ये जहाज मतलब माल के लिए है या फिर कोई पब्लिक के लिए? मतलब कि ये अपने मतलब कि जो दुबई का जो शेख है उसके भाई ने बनाई है अपने पर्सनल फिशिंग के लिए। अच्छा, दुबई के तो शेख की। हाँ, जहाज बनाने की कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट क्या हो सकती है? कोस्ट का इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम आप देख लो कि 5 से 6 करोड़ मतलब के हो अच्छा, जाता है। करोड़ रुपया होगा। हाँ, ये लकड़ी का बना जहाज है तो एक सवाल लाजमी है मुझे। पहले से ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी से बना, इसमें पानी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा पानी इसमें, ऐसे वो लकड़ी भी खराब नहीं होगी क्या? नहीं लकड़ी भी खराब है क्योंकि नीचे इसके से कुछ ऊपर केमिकल लगाते हैं, फिर मछली का तेल लगाते हैं फिश इसमें होती है ना। जहाज के ऊपर मछली का हाँ तेल? हाँ हाँ, फिश फिश होती है ना उसको, फिर उसमें तेल निकलता है। ऊपर आके तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो क्रिकेट खेल सकते हैं, वो जहाज पे हूँ ऐसा लगता ही नहीं, कहीं नीचे ही खड़ा हूँ ऐसा लग रहा है, इतना बड़ा जहाज है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ गुजरात के मांडवी में, और मांडवी में बनते हैं ऐसे बड़े बड़े जहाज जो यहाँ से फॉरेन जाते हैं, मस्कट, दुबई, सब जगह पे। तो ये जहाज अभी बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आखिर में ये जहाज बनना शुरू कहाँ से होते हैं, कैसे बनते हैं, तो आज के वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से लेकर के जब जहाज बन करके तैयार हो जाता है वहाँ तक। तो देख लीजिए कितना बड़ा जहाज है, ये देखिए, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जहाज है। अभी तो ये स्टार्टिंग मोड पे ही है और धीरे धीरे बनती हुई जा रही है। ये देखिए इतनी बड़ी जहाज है भाई, ये काफ़ी बड़ी बन चुकी है। ओके भाई, मैं पहुंच गया हूँ 100 मील में, जिसको बोलते हैं एक लकड़ा कटिंग करने वाली जो मशीनरी है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लकड़ हैं जिसको वुड कह सकते हैं। ये देखिए, ये लकड़े जहाज बनाने के लिए स्पेशली फॉरेन से इम्पोर्ट किए जाते हैं, और यहाँ पे जिस प्रकार का जहाज बनाना, जिस प्रकार की साइज़ का लकड़ा कटिंग करना, उसके हिसाब से कटिंग होता है। जैसे ये देख लीजिए, इस लकड़े को ऐसा कटिंग किया गया है, और जहाज बनाने के लिए जिस साइज़ का चाहिए, जैसे शेप का चाहिए, वो यहाँ से बनाया जाता है। और ये लकड़ा कहाँ से आता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं अभी। तो ये तो खाली आपको स्टार्टिंग मोड जो है, ऐसे लकड़े बाहर से फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते हैं, और फिर इससे इसके ऊपर रख करके इसको कटिंग किया जाता है मशीन से, और फिर बाद में यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है जहाज जहाँ बन रहा है वहाँ पर कारखाने में। तो मैं थोड़ा लकड़ा करीब से दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि लकड़े आते कहाँ से हैं। ये देखिए लकड़ों की साइज़ देख करके तो आपको ओहो आहा होगा, क्योंकि यहाँ से लंबाई वहाँ तक कितने फुट की है, ज़बरदस्त मोटाई है इसकी भी, और इस तरह से है यहाँ पे। ये सामने भी देखो लकड़े कटिंग हो रहे हैं जहाज के लिए, जहाज बनाने के लिए। तो अभी जानते हैं कि ये लकड़े कहाँ से आते हैं। जैसा कि मुझे पता चला कि ये वैसे तो गांधीधाम से आते हैं, लेकिन गांधीधाम में भी बाहर से आते हैं, फॉरेन से, जैसे मलेशिया है, जो इस तरफ के जो कि जो देश हैं उस देशों में ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वहाँ से ये एक्चुअली आते हैं। और ये ख़ास तौर से बड़े बड़े मकान या जहाज़ या ऐसे कोई जो बड़ी चीज़ होती है उसमें ये मज़बूत लकड़ी काम करती है। और पानी में दादा ख़राब नहीं था यार लकड़ी, है ना, पानी में भी ख़राब नहीं होती। तो अभी अव्वल भाई अभी देखने चलते हैं वुडन शिप। हाँ, तो अभी वुडन से जो शिप बनते हैं वो देखने के लिए हम चलते हैं यार्ड में। ये देखो कितने लंबे लंबे पेड़ है भाई। तो हम पहुँच गए लगभग तैयार हो चुके एक जहाज के पास में। अभी भी इसमें तो मुझे लगता है काफ़ी सारा काम बाकी है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा जहाज है, देख लीजिए। और इस जहाज की लंबाई कितनी है देख लीजिए वहाँ तक। तो हम इसको जहाज को पूरा घूम के देखते हैं, इस जहाज में क्या क्या चीज़ें लगती है, कैसे बनता है, मतलब अमेजिंग। और इतनी बड़ी जहाज पास में से देखने का मौका मिल रहा है जिसमें जहाज बन रही है, देखो क्या होता है, अभी देखते हैं, जिगर भाई हमको दिखाएंगे। ओके, अभी हम चलते हैं इस सीढ़ियों से होकर के इस जहाज के ऊपर। मैं ज़िंदगी में इतने बड़े जहाज में कभी बैठा नहीं हूँ, पहली बार ही बैठ रहा हूँ, और आपको दिखाने के लिए जहाज कैसे बनता है। देखो जिगर भाई चढ़ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हाइट है भाई, चढ़ने चढ़ने में ही थक गए भाई, यहाँ पहुँच गए। और ये बड़ा सा जहाज है, स्टील का कुछ है, जो जो देख स्लीपरी है सर। ऊपर आके तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो क्रिकेट खेल सकते हैं, वो जहाज पे हूँ ऐसा लगता ही नहीं, कहीं नीचे ही खड़ा हूँ ऐसा लग रहा है, इतना बड़ा जहाज है। और इतना विशाल का जहाज के ऊपर मैं पहली बार आया हूँ। इसके ऊपर बैठ करके इसको जहाज को चलाया जाता है, और नीचे का फर्श देखो एकदम से चिकना है, लकड़ियों से जोड़ जोड़ के बनाया गया है। और इसके अंदर भी ये कुछ बना हुआ है, ये सब रूम है। जिगर भाई से जानते हैं कि ये सब क्या है, क्या ये जहाज किस काम में आएगा, ये सब कुछ वहाँ चल करके बताते हैं।
अपने साथ है जिगर भाई। जिगर भाई थैंक यू, आपने टाइम निकाल के हमारे को इतना दिखाने का कष्ट किया। जिगर भाई ये जहाज कितने फुट लंबा होगा, सबसे पहले तो जहाज के बारे में जानते हैं। ये होगा मतलब कि 180 मीटर के बार होगा, ये फुट 180 मीटर लेंथ होगी इसकी। 180 मीटर के फुट मीटर 180 मीटर लंबा जहाज है समझ लीजिए। और ये जहाज बनने में कितना टाइम लग जाता है? Okay, दो साल तो कम से कम दो साल लगता है। दो साल। और ये जहाज मतलब माल के लिए है या फिर कोई पब्लिक के लिए? मतलब कि ये अपने मतलब कि जो दुबई का जो शेख है उसके भाई ने बनाई है अपने पर्सनल फिशिंग के लिए। अच्छा, दुबई के शेख की। हाँ, इसके ऊपर मतलब कि 30-30 फुट की 6 बोट आएंगी छोटी छोटी। हाँ, जैसे वो बोटे है ना फिशिंग की। अच्छा हाँ, सामने जो तो वैसे वो 6 बोटें आएंगी 30-30 फुट की। हाँ, फिर वो ये बोट उसको लेके जाएगी बीच समुंदर में। हाँ, फिर वो क्रेन से वो बोट को पानी में उतारेंगे और वो छोटी छोटी बोट है सब मतलब फिशिंग करके इसमें मछली डालेगी। इसमें सब कोल्ड रूम है, सब कुछ है इसमें सब कुछ है। आदमी को रहने के लिए रूम्स है। हाँ, जो इसका क्रू आएगा उसको सबका अलग अलग रूम है, सब कुछ इसमें फैसिलिटी। हाँ, है सब कुछ फैसिलिटी। और नसीब तो देखिए आपकी, दुबई के जो शेख है उनके भाई की ये बोट है, उस पर हम खड़े हैं। अच्छा है यार, नसीब वाले कि उस जगह पे टाइम पे सही टाइम पे आए। और इतना बड़ा जहाज है, और इसमें जो ये लकड़ी है ये फॉरेन से इंपोर्ट होती है? हाँ, मलेशिया से आती है, इंडोनेशिया से आती है। अच्छा, फिर मतलब के हमारे यहाँ पे मतलब के जो इसकी मेन जो लकड़ी है, इसके जो अंदर के जो फ्रेम जो बनती है। हाँ, वो मतलब के डाकोर डाकोर। हाँ, आनंद, फिर पंसोड़ा। हाँ, जो मतलब के खेड़ा जिला है मतलब के, खेड़ा। हाँ, हाँ, वहीं से मतलब के वो बावर का आता है, बावर का। हाँ, बबूल का। हाँ, हाँ, उसमें क्या है कि वो देसी बावर है ना, वो बड़ा उसका थर होता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे हमारे बावर रुकते हैं ना वो। हाँ, मतलब वो देसी, वो जो ब्लैक वाला। हाँ, कांटा वो जंगली होता है। फिर दूसरा भी आता है, वो उसका थर मतलब बड़ा होता है। बड़ा होता है, जैसे भी आपको कटिंग कम नहीं है वैसे हो सकता है इसमें से। अच्छा, तो उससे बनती है। हाँ, मतलब अंदर का जो फ्रेम का है वो सब अंदर का मतलब की जो यहीं का है। इसमें ये देखो इसका फ्रेम है, ये जैसे एक जहाज टूटा हुआ है, जला तो हुआ जहाज है, जल गया। अच्छा, जल गया। ओहो, ये जहाज तो पूरा जल गया, देखो समुंदर के अंदर जल गया है। इसका अंदर का जो फ्रेम है, जो मतलब कि अंदर का जो लकड़ी लगा है। हाँ, हाँ, वो सब देसी बावर है। फिर महुड़ा है, वो महुड़ा। हाँ, हाँ, जिसको बोलते हैं। तो ये कहने मतलब अपने यहाँ की लकड़ी यूज की गई है, गुजरात की, जो अंदर की। हाँ, गुजरात की, जैसे डाकोर पसोना। हाँ, हाँ, खेड़ा जिले में। हाँ, वहीं से आती है सब। ओहो, और इसकी कैपेसिटी क्या है, ऐसा कुछ मतलब? ये तो जहाज का मतलब के कार्गो में नहीं इसको लाएंगे। हाँ, हाँ, मतलब के अगर चाहे तो इससे वो मतलब के 1000 से 1200 टन मतलब के माल ले, 1200 टन माल ले जा सकता है। और एक अंदाज अपने रफली ऐसा जहाज बनाने की कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट क्या हो सकती है? कॉस्ट का इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम आप देख लो कि 5 से 6 करोड़ मतलब के हो जाता है। 6 करोड़ रुपया होगा। हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें दो साल तो बनने में लगता है। और इसमें क्योंकि इसमें इंजन का अलग कॉस्ट आएगा, इंजन क्योंकि यहीं पे नहीं मिलते इसके इंजन, मतलब के दुबई में मिलते हैं। दुबई में। हाँ, तो फिर मतलब के वो दुबई जाते हैं, इंजन वहीं से मतलब के डालते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन इंजन मतलब कि इतना मतलब पावरफुल नहीं होता है। वहीं पे मतलब के मिट्सुबिशी डाया है, कैटरपिलर है, ऐसा मतलब के इंजन पावरफुल डालते हैं वो लोग। ओके, आप समझ रहे हैं ना, जहाज के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। जहाज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये पूरा लकड़े का जहाज है, पूरा लोहे के भी जहाज होते हैं। और ये देखो सामने, छोटी छोटी बोट भी होती है, बड़ी बोट भी होती है, मतलब जहाज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और जिगर भाई, हमें कुछ जहाज के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो कुछ बताने जैसी चीज़ हो कि वो जहाज में खास होती हैं, ऐसे बनाई जाती हैं, इसमें ये होता है कुछ ऐसा? मतलब ये तो मतलब कि जहाज पूरा बन गया है अभी, मतलब कि आपको दूसरा मतलब कि जहाज मतलब के जो बनता होगा वहीं से आपको मतलब कि अच्छा समझना पड़ेगा। हाँ, कि इसमें कैसे शुरुआत होती है नीचे से। इस जहाज में नीचे आएंगे आप तो। हाँ, मैं नीचे से आपको समझा सकूंगा कि कैसे शुरुआत होती है, क्या किस। अभी इसमें नीचे जा पाएंगे? इसके नीचे नहीं, मतलब कि बाहर से नीचे जाएंगे। अच्छा, बाहर से नीचे। हाँ, जहाज के नीचे के साइड में हम समझ पाएंगे कैसे उसका पाया डालते हैं, कि इसका पहले कौन सी लकड़ी आती है, उसके बाद कौन सी लकड़ी आती है। हाँ, तो नीचे चल के अपने देख लेते हैं एक बार। फिलहाल ये देख सकते हैं कि बारिश की वजह से इसको सब पैक कर दिया गया है, तो इसके अंदर बहुत सारे रूम बने हुए हैं और बहुत सारा अंदर सेटिंग किया हुआ है, लेकिन हम अंदर जा नहीं पा रहे, इधर सीढ़ी भी नहीं है, और सब पैक कर दिया गया है।
ये जो नीचे आप देख रहे हैं वो इंजन शाफ्टिंग के लिए शायद है मेरे हिसाब से। हाँ जिगर भाई राइट, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि इंजन आएंगे, इंजन आएंगे यहाँ पे, इंजन यहाँ पे आएगा बीच में, हाँ, और दूसरा इंजन साइड में आएगा, तो दो साफ टीम का मतलब कि दो इंजन रहेगा। हाँ दो इंजन। अच्छा, जैसे वो साफ लगाई हुई है, वैसे वो एक साफ लगा हुआ है, हाँ हाँ, और दूसरा साफ का जगह यहाँ पे है। ओके, इस तरह से ये जो है इंजन भी यहाँ पे रखे जाएंगे, इसके लिए भी जगह रखी गई है। और जहाज़ तो पता नहीं कितना बड़ा है भाई, दुनिया भर इतना बड़ा जहाज है। और ये जितने भी साइड में जो होल दिख रहे हैं ये सब क्या यहाँ पे स्क्रू लगा है निकालने के लिए, मतलब के वो जो होल है पानी निकालने के, ये सब बोल्ट किए गए, ये बोल्ट किए गए इतने, इसके ऊपर लांबी लगाई गई है कि बोल्ट खराब ना हो, खराब ना हो, क्योंकि जंग लग जाता है दरिया के पानी से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इसके ऊपर लांबी लगा देते हैं, हाँ, बोल्ट खराब नहीं होता है, जब भी मतलब कि बोल्ट निकालना है तो लांबी निकाल देंगे, हाँ, और बोल्ट निकल आएगा। ओके, ये लकड़ी का बना जहाज है तो एक सवाल लाजमी है मुझे, पहले से ऐसा लग रहा है कि ये लकड़ी से बना, इसमें पानी नहीं जाएगा? नहीं जाएगा पानी इसमें, ऐसे वो लकड़ी भी खराब नहीं होगी? नहीं लकड़ी भी खराब नहीं, क्योंकि नीचे से कुछ केमिकल लगाते हैं, फिर मछली का तेल लगाते हैं इसमें जहाज के ऊपर, मछली का तेल, फिश होती है ना उसको, फिर उसमें तेल निकलता है। अच्छा, वो तेल इसमें लगाएंगे? हाँ हाँ हाँ, अभी इसमें पूरा मछली का तेल लगा हुआ है अभी, अभी भी, हाँ अभी भी, क्योंकि पहले उसको पिलाते हैं मछली का तेल कि उसका जो लकड़ी है वो खराब नहीं होता है, क्वालिटी बरकरार रहती है, जैसे बरकरार रहती है। और इस जहाज की उम्र की बात की जाए तो उम्र तो इसका ऐसा है कि मतलब कि जहाज का तो कोई उम्र नहीं होता है, क्योंकि दरिया है, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, तकरीबन मतलब कि 15-20 साल तक अच्छा रहता है, 20 साल तक, ये तो उसको कभी कभी आता है रिपेयरिंग कराता है। अच्छा, रिपेयरिंग इसमें तो भी गाड़ी की तरह रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है बार बार, तो फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी दुबई में भी जुदा हो गए हैं, क्योंकि जहाज को पूरा उठा के वो जमीन पे रख सकता है, ऐसी उधर फैसिलिटी है, जैसे कि अच्छा, पानी में से उठा के जमीन पे रख देंगे, जितना भी नीचे का काम है वो करके वापस रख देते हैं। ओके, ये जहाज अभी जमीन पे पड़ी है, समुंदर थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो वो भी जानेंगे कि इसको वहाँ पे कैसे ले जाते हैं, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये इसको डेक ही बोलते हैं ना जिगर भाई, इसको केबिन बोलते हैं, केबिन बोलते हैं, तो एक बार केबिन भी देख लेते हैं और फिर नीचे चलते हैं। और पीछे की तरफ देखोगे तो वहाँ तक लंबा है, सामने का फ्रंट भाग, वो आगे का भाग है, आगे का भाग है, उसको भी थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं ऊपर। अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, जो फ्रंट का भाग है उधर। और ये जिगर भाई आ सूझे, हाँ नीचे जवाब, नीचे के फ्लोर पे, हाँ, नीचे के फ्लोर पे जाने का ये रास्ता है, ये जहाज के अंदर से नीचे जा सकते हैं, इसको फना बोलते हैं, फना, फना। हाँ ये नीचे वाला, हाँ ये पूरा देख, ये जो नीचे ये बनाया गया ये क्या है, नीचे स्टोर रूम है, जैसे रस्सी वगैरह सब कुछ मतलब स्टोर करके रखते हैं, इसमें रख सकते हैं। हाँ ओके, चलो आप चलो ऊपर। ओ भाई साहब, ये है, इसको धवर बोलते हैं, धवर, धवर, इसमें मतलब के आगे आपको बोट को खींचना है, हाँ, तो रस्सी को अगर एंकर करेंगे मतलब के जो मतलब के जमीन पे, हाँ, फिर उसका जो रस्सी इसमें लपेटेंगे फिर इसमें मतलब के लकड़ी आएगी, फिर इसमें आदमी गोल गोल फिरते हैं। अच्छा, तो लकड़ी वो मतलब के रस्सी इसमें घूमेगी, लपेट ही जाएगी, हाँ, तो जहाज आगे चला, एक आदमी खींचता रहेगा, जो उसका छेगा होगा, हाँ हाँ, वो खींचता रहेगा और जहाज वो निकलता जाएगा आगे। ओके, तो ये घूम सकता है, हाँ, ऐसे, ये इसका लॉक है मतलब के, हाँ लॉक किया हुआ, अभी ये लॉक ऊपर करके इसको घुमा सकते, हाँ, हैं, रिटर्न ना इसके लिए, हाँ समझ गया, इसको धवर बोलते हैं। और ये भी बहुत ही विशाल का लग रहा है, और मतलब ये भी तो ये देसी हो गया, मतलब के पहले भी मतलब के ये यही आइटम वो लकड़ी की बना देते, लकड़ी की बनाते थे, लोखंड की आ गई। ओके, मशीन भी आता है, फिर मशीन का भी वो बेंच आता है, हाँ हाँ, तो उसमें भी छेरा लपेट सकते हैं। अभी हम जहाज के ऊपर हैं, फ्रंट के डेक पे, और इस जहाज पे खड़े होकर के अब छोटी छोटी जहाज जो मछली पकड़ने वाली है, फिशिंग बोट, वो तो देखो छोटी सी लग रही है, काफ़ी बड़ी है, ये भी छोटी नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी लग रही है, देख लीजिए। और इसके जहाज में मुकाबले में वो जहाज भी आधा भी नहीं है, सामने वाला राइट, आधा भी नहीं है, ये सब जहाज है। और ये अभी मछली पकड़ने जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं, और इधर से आप देख लीजिए भाई, पूरा एक फुटबॉल का मैदान होता है, उससे भी बड़ा लग रहा है मुझे। और ये सब जहाज है देख लीजिए, छोटे मोटे, ये जहाज जल के खड़ा है, वो जहाज रिपेयरिंग के लिए खड़े हैं, ऐसे ही सब चलते रहते हैं देखो। और उस तरफ आगे एक स्टीमर खड़ा है लोहे का बना हुआ, वो देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, बाजिस, तो ओके अभी हम चलते हैं इस जहाज के ऊपर।
कैबिन जिसको बोलते हैं, डेक भी बोलते हैं, डेक तो ये हो गया, ये कैबिन बोलते हैं। इसके ऊपर बालकनी जैसा बनाया हुआ, गैलरी जैसा, तो ये भी रईस काम काज है। चलते हैं ऊपर देखते हैं। डिजाइन क्या जानदार बनाई यार। देखो ये जहाज है वहाँ तक, उसका फ्रंट का भाग, वो जो दो लकड़े दिख रहे हैं ना वो वाला है, और ये पूरा जहाज है। चलो चाहिए बांधो नहीं, कलर कर लो जाए ताजो ताजो। अभी अभी इस पर कलर का काम चल रहा है, तो अभी सुगंध आ रही है कलर की। और ये है कैबिन, इसमें भी रूम बने हुए, एक रूम इधर है, एक का रूम होगा। अच्छा, एक मतलब के जो रास्ता दिखाता है। हाँ हाँ, ओके, उसका रूम होगा। चलो आगे देखते हैं, किसी होटल से कम नहीं। ये सोने के लिए बेड बन रहे, देखो एक दो, ये सोफा होगा, सोफा। हाँ हाँ, ये बेड है, बेड होगा इधर, ये भी बेड है, ये भी बेड है। हाँ, ये कबाट होगा अभी ये। अच्छा, किसी होटल जैसा ही लग रहा है यार, इधर फीलिंग ऐसी आ रही है, इसमें सब कपड़े या कुछ भी, मतलब कि सब एसी हो जाएगा। अच्छा, ये एसी रहेगा, और इधर भी कुछ है, बाथरूम है, ये बाथरूम है। ओ, बाथरूम भी देख सकते हैं, इधर मिरर लगे हुए हैं, सस्ते ही जैसे। ये सामने का रूम है, इधर भी देख लेते हैं, ये भी बेड है और इधर भी है, सामने वही पोजीशन है, और इस पे यहाँ पे भी बाथरूम है, और इधर एक कपाट है। जिगर भाई, चलाने वाला बंदा कहाँ बैठेगा? चलाने वाला बंदा इधर आएगा। अच्छा, ओके, ये एरिया चलाने के लिए है। देखिए ये जो इधर है ना, जैसे अपने अवल भाई खड़े हैं, तो इधर बंदा रहेगा, इधर स्टीयरिंग लग जाएगा, और यहाँ से बैठ करके समुद्र में, ऐसा जैसे ये मैं जहाज बना देता हूँ, स्टीयरिंग है ऐसा, सामने दिखता रहेगा, जो दो लकड़े हैं उसके बीच में से जो जगह देख रही है उसको देखते हुए वो चलाएगा, तो इसको खोल भी सकेगा, ये कांच अभी खुला है, फिर बंद हो जाएगा। और फिलहाल ऐसा कुछ व्यू है, और सामने की तरफ गैलरी है। जिगर भाई बोल रहे हैं इधर वो जहाज के चलने का जिसको व्हील बोलते हैं आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं उसका भी आपको दिखा दूंगा, तो वो इधर आता है, देख लीजिए। तो यहाँ से पायलट बैठ के, जिगर भाई वो सब यहाँ फिट नहीं होगा? नहीं, यहीं पे फिट होगा इसका। नहीं, दुबई जाके तैयार होगा ये? ये तो यही उसका व्हील तो ये भी फिट होगा, क्योंकि उधर उसका मतलब कि जो गड्ढा रहेगा ना पीछे, सुकान बोलते हैं उसको, तो जिससे जहाज है ना ऐसे पानी में इधर उधर मुड़ता है, वो उसकी बात करें, उसको सुकान बोलते हैं। हाँ, उसको सुकान बोलते हैं, तो वो मतलब कि उसको तो मतलब कि चाहिए, क्योंकि टर्न लेने के लिए। हाँ, तो उसके ऊपर तो अभी इंजन नहीं है, क्योंकि इसको कोई टोइंग करके ले जाएगा इसको। अच्छा, दूसरा बोट टोइंग करके लेके जाएगा दुबई तक। हाँ, दुबई तक 5 दिन का रास्ता है, 5 दिन तक इसको खींच के ले जाएंगे। 4 दिन में पहुंच जाता है, कोई अच्छा जहाज है, कोई मतलब के स्पीड वाला वाहन है, तो 4 दिन में पहुंच जाता है। चार पाँच दिन इसको खींच के ले जाएगा भाई। तो ऐसा कोई सिस्टम है તો ક્યાં એમ થાય કે પાકિસ્તાન કને છે હવામાન છે, તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકો થોડો કોઈ પોર્ટ હોય તો ત્યાં કને લોકો આશરો લઈ લે, આશરો લઈ લે। ઓકે, તો અભી હમ ચલતે હૈ નીચે, બહાર સે ઓર ઉપર સે ડેક દેખ લિયા, इसके ऊपर आने ऊपर तो सतत है ना। हाँ, अच्छा, इसमें एसी भी लगेगा, वो सब तो वहाँ जाके तैयार होगा। अभी हम चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। ये है फ्रंट का भाग, और इधर हम हैं इस ऑफिस में। यहाँ सीढ़ी से नीचे उतरे, ये वापस वही डेक आ गया, ऊपर ऑफिस थी, और ये देखो ये बालकनी है पूरी नीचे की तरफ, तो इसमें चल के देख लेते हैं कि इसके नीचे की तरफ क्या दिखता है। अच्छा, नीचे कुछ नहीं है। ओके, इधर खड़े रह करके पीछे का व्यू देख पाएंगे जब पानी में जहाज चलता होगा, तो हम नीचे चलते हैं अभी। उतरते हैं और उतरने में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी हाइट है ना बहुत ज़्यादा है।
ओके फिर से हम जहाज के नीचे आ गए हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। जिगर भाई हम क्या दिखाते हैं, कौन सा ऑयल है जिगर भाई? फिश का ऑयल है। फिश का ऑयल है, हाँ। मछली का ऑयल है और इसको गर्म करते हैं, तो हम चल करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। ओहो ये सब ड्रम पैक है, तो यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन समझ सकते हैं ऐसा कुछ ऑयल है ये। ओके बारिश की वजह से पानी, हाँ हाँ, तो ये इसके ऊपर पूरा बॉडी के ऊपर लगा देते हैं, है ना जिगर भाई? ऐसा ही कुछ है। अभी इस पर लगा दिया? हाँ, तमाम महीने लगाई ने सुकाव माटे राखी तू એટલે ખેંચી લ્યો ઓઇલ બધું પાટી। अच्छा, तीन महीने ऑयल लगा करके इसको सुखाने पे रख दिया जाता है ताकि वो अंदर लकड़ी खींच ले। मतलब कि अभी इसको मतलब कि इसको गिराने की तैयारी है, मतलब कि इसको मतलब कि वो खड्डा करके इसको खड्डे में डालेंगे जहाज को। हाँ जहाज को, फिर इसको मतलब कि समुद्र में लेके जाएंगे। तो इधर पानी इधर आएगा? हाँ पानी इधर आएगा, क्योंकि पूरा खड्डा कर देंगे जीसीबी से। ओके ओके, पहले ऐसी मतलब के वेज की बोरिया रख के इसको नमाएंगे, एक एक बोरिया काट काट के। हाँ हाँ, पूरा पूरी लाइन में बोरिया रखेंगे ऐसी। अच्छा, फिर मतलब के इसको एक एक करके काटेंगे। हाँ, तो वो उसकी बोरी के ऊपर से वो छोटा मतलब के गिरता आएगा जहाज नीचे चला जाएगा। मतलब एक साइड वो फ्लोट हो जाएगा। अच्छा, जमीन पे। हाँ हाँ, दूसरी साइड मतलब के फिर मतलब के उसको काम करना है जीसीपी को, उसको खड्डा करना है। हाँ, तो फिर दूसरी साइड जीसीपी काम कर सकती है, क्योंकि अभी तो जीसीपी इसके अंदर नहीं गए, नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, तो पहले इसको एक साइड फ्लोट का हो जाएगा ये जहाज, ठीक है, फिर दूसरी साइड उसको खड्डा करेंगे, फिर उस साइड ऐसे भी इसी तरह उस साइड भी ऐसे बोरिया रख के उस साइड मतलब के फ्लोट करेंगे फिर इस साइड से माल निकालेंगे। अच्छा, फिर मतलब के वो जहाज पूरा जमीन के अंदर घिसता जाएगा पानी आएगा तो वो तैर जाएगा। हाई टाइट होगी तो पानी। तो ऐसा कुछ मामला आपको समझ में आया। इस जहाज को अंदर ले जाने की टेक्निक ये है कि पहले नीचे पूरी बोरियाँ भर भर के रखेंगे, फिर ये लकड़े निकाल देंगे, फिर जब एक साइड से थैली निकालेंगे तो जहाज एक साइड से टेढ़ा हो जाएगा, तो उस तरफ से जगह बनेगी, तो जैसे भी इसे रेत निकालेंगे, फिर उधर से बोरी निकाल के फिर उधर से नमाएंगे, ऐसा करते करते नीचे जगह बनाएंगे और फिर पानी आएगा और हाई टाइड आएगा तो पानी में जहाज तैरने लग जाएगा, फिर यहाँ से ये पानी सामने ही है तो वहाँ पर पानी जहाज चला जाएगा। तो ऐसे इस जहाज को लेकर के दुबई जाएंगे, दूसरे जहाज के पीछे बांध करके टोइंग करेंगे। अभी हम चल रहे हैं, ये जहाज के नीचे का ही भाग है और उस तरफ ऊपर तक जहाज है, और इसके नीचे देखिए भाई, ये इसको शेप दिए गए ऐसे होकर के, ऐसे नीचे देखो लोहे की प्लेटें लगी है, एसएस की प्लेट लगी है। इसको मतलब के इसको पठान बोलते हैं। पठान है, सबसे नीचे का भाग है जहाज की भाषा में, इसको पठान बोलते हैं। सबसे पहला भाग ये आएगा, स्टार्टिंग भाग यही है। जब आप शुरुआत होती है जहाज बनने की, तो पहले पाया डालोगे तो सबसे पहले ये ये कितना बड़ा है भाई, देखो इसकी नीचे से मैं देखने की कोशिश करूं, मतलब के तो आपका ये दो फुट से ज्यादा चौड़ा है। नहीं 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 नहीं, चौड़ा मतलब के 2 फुट होगा, और ऐसे होगा मतलब के 18 इंच होगा। 18 इंच ऐसे लकड़ी मोटी है और नीचे 2 फुट जैसा ही ऐसा है, और इसके ऊपर धीरे धीरे पूरी जहाज बनती जाती इसके है, ऊपर फ्रेम आएगी ऐसे। हाँ, ये पूरी जहाज ऐसे होकर पार्टियां लगता है। तो मेन बेस यही है, ये नीचे रहेगा। वो अगर उसको मोड़ा बोलते हैं, मोड़ा तो आगे का जो भाग होता है। हाँ, अभी हम हजारों टन के वजन वाले जहाज के नीचे खड़े हैं। इसको जो ये खड़ा किया हुआ ना, ये वाला भाग। हाँ, तो ये पहले तीन शुरुआत में तीन लकड़ी आएंगी, पहले पठान फिर आगे का मोड़ा फिर पीछे का मोड़ा फिर फ्रेम बनती है। हाँ, तो पहले ये देखो, तीन लकड़ी आएगी, एक ये सबसे बड़ी वाली, फिर एक ये नीचे वाली, ये बहुत लंबी है। इसके नीचे से देखो तो आपको समझ में आएगा कि एकदम स्ट्रेट है, और इसमें जॉइंट करने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी ऐसी प्लेटें लगाई गई है, ये देखो, तो ताकि नीचे कोई छोटा मोटा पत्थर या ऐसा कुछ हो तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये झटका सहन कर लेगी। और ये जहाज इतना बड़ा है ना भाई साहब, चलते चलते हम इसका चक्कर लगाएंगे तो 15 मिनट लग जाएगी। अच्छा, ये देखो, ये जो अभी भी दिख रहे हैं आप, ये है मछली का तेल, इससे ये लकड़ी सोख लेगी, है ना? तो ये लकड़ी ऐसी हो जाएगी कि पानी में इसको कुछ भी नहीं होगा और इसमें पानी अंदर नहीं जाएगा,
अभी ये बस ऐसा ही रहेगा। दो पार्टी के बीच में वो कॉटन का जो वाट आता है, कॉटन का रू हाँ, उसका कॉटन का वो तेल वाला करके हाँ, दो जो दो पार्टी आता है हाँ, इसके बीच में जो गारों से नीचे जा हाँ हाँ हाँ, इसके ऊपर मतलब कि कॉटन आएगी, कॉटन के ऊपर लंबी होगी इसके लाफी जैसा हाँ। तो पानी बिल्कुल नहीं आता है फिर, क्योंकि ये पार्टियां फिर मतलब कि जब बिकता है पानी में तो हाँ। एकदम फूल जाता है। अच्छा, तो लॉक हो जाएगा, एकदम लॉक हो जाएगा। ओके, तो ये सिस्टम है इसके अंदर, समझने लायक बात है। और इसको है ना यहाँ की देसी भाषा में जो ये कपास है ना उसको गर बोलना कहता है, गुर बोलते हैं, गुर गुर हाँ। तो ऐसा ही कुछ मसला है, और जहाज बनाने की टेक्निक, और इसका जहाज का पेट ऐसे उभरा हुआ है ऐसे तो ऊपर जाके फिर यूं हो जाता है। ये सामने छोटी छोटी बोट है मच्छी मारी वाली, और इनको देखने के बाद आप ज़रा इधर नज़र दौड़ाइए, ये वो जहाज़ है जिसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं। देख लीजिए उसका वह भाग वहाँ पर है, और ये देखो 180 मीटर लंबा जहाज है, और इस जहाज़ की मोटाई को आपको पता कैसे पड़ेगा, ये जिगर भाई इधर खड़े एक छोटे से इंसान दिख रहे हैं, इतना बड़ा जहाज़ है। चलो अब पीछे इंजन के बारे में समझते हैं कि उसके जो प्रोपेलर है वो सब कैसे लगते हैं, उसको जहाज़ को कैसे मोड़ा जाता है। यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए तैयारी चल रही है, ये झंडे हैं ना ये पानी के अंदर रहेंगे वहाँ पे जब मछली पकड़ने जाते हैं। और इधर आवाज़ आ रही है समुंदर का पानी की आवाज़, इधर रिफ्लेक्ट होके हमारे को सुनाई दे रही है कि कहीं पानी इधर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, ये ऐसे डोरी से लटका देते हैं, इसमें बैठ के वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कोई मकान के बनाने के लिए पार्टी यूज करते वैसे ही। चाय बनाई, मैगी बनाई, अलग एक्सपीरियंस है। आजो हाँ, आजो भाई बाहर निकली थी, आ तो डैमेज थी यूज। अच्छा हाँ, इसमें देखो वो देखो सब बाहर निकल गई जॉइंट में से। आज तो मतलब ये एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ये वाट बस सब बाहर। अभी ये जस्ट ठीक नहीं होगा, नहीं ये खत्म हो गया है, और इसकी जो लकड़ियां हैं बस कुछ काम आएगी तो आएगी, बाकी ये जहाज का काम तमाम हो गया, ये जल गया पूरा कहीं समुद्र के बीच में एक्सीडेंट होकर। दुबई में थे तो ना, दुबई दुबई सिटी नहीं अंदर है। अच्छा, ने गेस्ट ना बाटला रॉकेट केम जाए तो પછી એના ત્યાંથી અહીંયા કેવી રીતે લાયા, ટોઈંગ કરી ના, એનો એન્જિન ચાલુ હતો ને। અચ્છા, તો આ બળેલો લઈ આયા, બળેલો લઈ આયા, તો આને લાવવાનો રીઝન કે શું કરવા લાયા કે ભાઈ હવે સારો થવાનો હતો, માલિક ઇન્સ્યોરન્સ ને બધું બતાવવું પડે કે આમાં। અચ્છા, આનો ઇન્સ્યોરન્સ, ઓહો, ઇસકા ઇન્સ્યોરન્સ ભી હોતા હૈ ગાડી કી જૈસા હી, जब ये जल जाता है ना तो इसके भी पैसे या ऐसा कुछ मिलता होगा, लेकिन इंश्योरेंस भी करोड़ों में ही होता होगा वापस, वो वापस बात आ जाती है। तो जिगर भाई ये इसका भी इंश्योरेंस वगैरह व्हीकल रजिस्ट्रेशन सब होता ही है, मतलब ये तो मतलब के मानवी गुजरात मेरीटाइम बोर्ड में इसका मतलब सब कुछ रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, जैसे हमारे मकान के दस्तावेज होते हैं ऐसे इसके भी दस्तावेज होते हैं, मालिक भी होते हैं, सब कुछ होता है इसमें भी। तो ये जहाज जल गया दुबई में, फिर वहाँ से उठा के यहाँ ले। अभी हम कंटिन्यू करते हैं इस जहाज को समझने की कोशिश करते हैं, हम पीछे के भाग में आ गए तो चल करके देखते हैं अभी क्या होता है। अभी हम आ चुके जहाज के पीछे नीचे के भाग जहाँ पे प्रोपेलर लगते हैं जिसको चलने से जहाज आगे बढ़ता है। तो जिगर भाई इधर के बारे में बताइए थोड़ा, ये इसकी शाफ्टिंग है, ये हाँ, इंजन में लगती है आगे। हाँ, आगे इंजन में लग जाएगी अंदर। तो यहाँ पे दो प्रोपेलर लगाएंगे, दो प्रोपेलर एक साइड आएगा, दो इंजन में दो प्रोपेलर, दोनों इंजन चालू रखने पड़ते हैं जब जहाज चलता है तो। और बीच में जो बीच का जो भाग है जहाँ पे वो लोखंड, हाँ, चलो वहाँ चल के देख लेते हैं। ये वाला भाग, ये जो भाग दिख रहा है आपको, सुकान आएगा, सुकान, हाँ सुकान आएगा जो इसको जहाज को मोड़ने में, जैसे स्टीयरिंग बोल सकते हैं, स्टीयरिंग अंदर आएगा। हाँ, इसको सुकान बोलते हैं, जैसे जहाज को टर्न लेना होता है तो वो टर्न ले सकता है इससे, तो ऐसे घूमता है तो ऐसे मतलब के एक तरह का पार्टियां लगेगा, मैंने आपको शायद देखा नहीं वहाँ पे पड़ा था, तो वो पार्टियां इधर लग जाता है, और वो जो जो इसके कैप्टन होते हैं वो यही शाफ्टिंग काम करती है। हाँ, ये शाफ्टिंग अंदर वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, तो वो जिधर मोड़ोगे जहाज उसके हिसाब से आगे से मोड़ेगा, उसको उल्टा घुमाएंगे उधर जाएगा। इस साइड कंप्लीट हो गया, मतलब ये जो इसको, ये देखो और ये भाग ये हो गया प्रोपेलर का। अब ये देखो यहाँ पे लगेगा शाफ्टिंग, और ये बेरिंग इसमें आएगा, और आगे उस तरफ बेरिंग आएगा,
और इस वाल्व को इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके लिए कितनी बड़ी, मेरे को यहाँ पे देख सकते हैं तो शाफ्टिंग कितनी बड़ी आएगी वो समझ लीजिए आप, कितना मजबूत फीट का इसका, 4 फीट डायमीटर उसका प्रोपेलर होगा, 4 फीट का मतलब राउंड में डायमीटर में वो होगा प्रोपेलर, और तो 4-4 फुट के 2 होंगे, 8 फुट के प्रोपेलर लगेंगे, और इसको शाफ्टिंग को यहाँ पे फिट होगा। और इधर आगे इधर देख लीजिए, इधर तो जिग इसके अंदर देखो, जहाज़ के जो नीचे का अंडरग्राउंड वाला भाग है उसमें झाँक सकते हो, वो देखिए तो कितनी बड़ी शाफ्टिंग होगी, कितना बड़ा इंजन होगा इसको समझने में। और इसमें भी ये लकड़ी काम करती है, देखिए लकड़ी इतनी मजबूत होती होगी कि इसको भी पकड़ के रखा है, इसको इतना बढ़िया से इंस्टॉल किया हुआ। और जिगर भाई, तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा यहाँ से? इसके पानी तो जाता है, लेकिन उसको मतलब कि उसके बूस आते हैं, रबर बूस के। हाँ, तो शाफ्टिंग में पहले बूस आ जाएंगे इसके अंदर, फिर इसके पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाता है इसके अंदर। ओके, पानी तो वैसे इसके मतलब कि वो पानी तो उठाता ही है, क्योंकि जो इंजन को पानी चाहिए। अच्छा, तो इसको मतलब कि वो सीकाक बोलते हैं इसको, सीकाक, तो उसको यहाँ पे होल करेंगे, मतलब एक साइड में 5-5 होल करेंगे बोट में। हाँ, फिर उसका मतलब कि वो मतलब जारी लगाएंगे, चाली लगाएंगे जारी, उसमें पाइप फिट होगा इंजन का। हम्म, इंजन भी ठंडा रखने के लिए। अच्छा, पानी उसमें रोटेट होता ही रहता है, घूमता रहता है। ओहो, तो यही कुछ बातें हैं जो आपको दिखानी थी, बतानी थी एक जहाज के पूरे प्रोसेस के बारे में, कि ये जहाज में क्या क्या होता है। और ये जो ये लकड़ी देख रहे हैं, मैंने आगे से उसको दिखाई, वही लकड़ी यहाँ तक आती है, और इसमें जॉइंट होता है काफ़ी लंबी लंबी, 3 टुकड़े में आती है, 3 टुकड़े में है, एक लग कोई 300 फीट जैसी होगी, एक सौ पचास फीट की लेंथ है इसकी, ऊपर से 180 फुट। तो करेक्शन थोड़ा कर देते हैं, 180 फुट लंबा है, 180 मीटर नहीं है, तो हमने शायद ऊपर 180 मीटर बोला था, तो वो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, 180 मीटर यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नीचे का जो जो है बेस वो 150 है, और ऊपर से 180 फुट लंबा है, तो 180 फुट भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस जहाज में जितने भी आइटम लगी है लोहे की नहीं होती है, SS की होती है, 304-316 की। ये जो बोल्ट देख रहे हैं ये भी SS हैं, ये जो प्लेटें देख रहे हैं ये भी SS 316 की है। तो इस जहाज का बजट तो बहुत हेवी होता ही होगा, फिर पावती देख के फिर वो लगा दे, क्योंकि फिर इसमें बोल्ट आते हैं वो, फिर मतलब हाँ, बोल्ट मतलब के लोखन के होते हैं, क्योंकि SS होता है वो क्रैक हो जाता है, क्रैक हो जाता है, लोखन क्रैक नहीं होता है, लोखन क्रैक नहीं होता, SS के नहीं है। जिगर भाई बोल रहे कि MS के होते हैं लोहे के, क्योंकि SS के बोल्ट टूट जाते हैं, उससे ज़्यादा लोहा मजबूत होता है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो बस और कुछ जिगर भाई इसमें है? अच्छा, इंजन जो होता है, एक बार जैसे इंडिया से जहाज भर के वहाँ जाएगा तो इंजन में कितना ऑयल, डीजल से चलता है? डीजल से चलता है, क्योंकि मतलब कि वो मतलब कि कितना हाउस पावर के इंजन लगाते हैं। तो मान लो इसकी बात कर ले एक अंदाज के मुताबिक, तो ये कितना मतलब यहाँ से दुबई जाए तो कितना तेल खा जाएगा? तेल खा जाएगा मतलब कि वो इसको 24 घंटे में मतलब कि 200 लीटर के 8 बैरल उसको चाहिए, 8 बैरल यानी कि 1600 लीटर 1500 से 2000 लीटर के बीच में इसको डीजल चाहिए होगा, तब ये जहाज 24 घंटे चल सकता है। तो वो मेरे को लगता है कि एक बार में सब स्टॉक लेके चलते हैं, स्टॉक होगा इसका मतलब के 100 बैरल 200 बैरल का स्टॉक रखते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, तो ये थी पूरे जहाज बनने की कहानी। अभी जब हम गैलरी में खड़े थे ऊपर डेक पे, तो वो यहाँ पे देखिए ऐसी बनी हुई है ऊपर, ये लोहे के जो सपोर्ट लगा करके जहाज के पीछे खड़ा रहने के लिए जगह बनाई गई है। तो इतना बड़ा जहाज है और ऐसा जहाज है। थैंक यू जिगर भाई, जितना इनका थैंक यू, ये जानकारी हमको ऐसे ही नहीं मिल पाती, क्योंकि ये इतनी बड़ी हमारे दिमाग से बाहर लगती है। जहाज में घूम पाना भी मुश्किल है, अगर नीचे अंदर चले जाते ना तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। सो अच्छा लगा ये सब जानकारी। मांडवी पे ये अभी जहाज खड़ा है, अभी ये कितने दिन में रवाना हो जाएगा? इसको 2 महीना लगेगा शायद, अभी भी 2 महीना लगेगा। ओके, तो इसलिए जहाज के 2-3 साल लग जाते बनने में, कुछ प्रॉब्लम वो ऊपर है इसके सीधा खड़ा है, कुछ भी काम हो तो वो लेवल में हो सकता है, फिर हाँ। मतलब के पानी में रहेगा तो फिर मतलब के एक साइड मतलब के फिर कुछ नहीं होगा, फिर मतलब होगा मतलब के फिर ऐसा नहीं होता है, फिर मतलब माप मेजर में कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि इसी की वजह से रुका हुआ है। अभी ये गोरी इसकी जो पॉपुलर का जो सपोर्ट है ना, उसी की वजह से ये रुका हुआ है। अभी इसकी एक साइड की बन जाएगी
कब इसको वो फ्री का पंखा फ्री हो जाएगा कि पंखा किधर भी मतलब कि वो टच नहीं हो रहा है ना। हाँ समझ गया। वो सब देख लेंगे अब माप में जब है कि नहीं, अभी हो सकता है फिर बाद में मुश्किल ही होगा, बाद में मुश्किल ही होगा, इसकी वजह से ये रुका हुआ है। ओके तो अब इस वीडियो में मुझे लगता है कि इतना बहुत ज़्यादा हो गया है और हम सब विदाई लेते हैं। जिगर भाई का थैंक यू यहाँ पे आए और हम लोगों को अपना काम छोड़ करके दिखाने के लिए आए। और मांडवी गुजरात के जो समुद्र का किनारा है वहाँ पे एक क्रिक बोल सकते हैं या एक छोटा सा जो पानी का, समुद्र का पानी यहाँ तक आ रहा है देखो वहाँ, तो उसके किनारे पे ये बनता है जहाज और रिपेयरिंग के लिए यहाँ कह सकते हैं एक बहुत बड़ा वर्कशॉप जैसा कह सकते हैं, यार्ड कह सकते हैं शिप का, तो यहाँ सब कुछ होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ हमारे पास जानकारी होगी तो। एक मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो जहाज बनाने वाले यहाँ कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनुभवी आदमी जिन्होंने बहुत सालों तक कैप्टनशिप की, भारत पाक युद्ध में भी वो थे, देश की आज़ादी से पहले भी थे, उनसे मैंने पूरी बातचीत की है तो उनका वीडियो मैं गुजराती भाषा में, उनको हिंदी थोड़ा बोलने में मज़ा नहीं आ रही थी तो पूरा गुजराती में है, तो वो एक घंटा की स्टोरी है, उसको उनको खाना खाना था इसलिए वो फिर हम लोग बीच में छोड़ के आए हैं, तो वो पूरा स्टोरी देखना आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी। कैसे पहले जहाज चलते थे, मतलब बिना इंजन के बिना मशीनरी के जहाज कैसे यहाँ से ओमान मस्कट जाया जाता था और वापस आते थे, ये स्टोरी है पूरी, तो वो गुजराती में है और गुजराती चैनल पे ही है, वो देखना, मैं उसकी लिंक डाल दूँगा। थैंक यू।